अस्सलामुअलैकुम आइलैंड न्यूज़ के साथ मैं गुरबाबर। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि 25 मई को ज्यादती करने वालों से बदला लेने तक चैन से नहीं बैठूंगा। थाना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ला रहे हैं, आप जेल जाने वाले हो, आपको फांसी की सजा होगी। लाहौर में तरीके इंसाफ के जेर एहतमाम हॉकी नेशनल स्टेडियम में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना था कि शरीफों के लिए बुरी खबर है कि इमरान खान और फौज के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इमरान खान के विजन को आगे लेकर चलूंगा। पाकिस्तान में आज 75वां जश्न आजादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। जश्न आजादी पर मजार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने मजार कायद पर एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को फारिग करने और इलेक्शन होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने मेरे खिलाफ केसेस बनाने का प्लान बनाया है। मुझे डिस्क्वालीफाई करके नवाज शरीफ को वापस बुलाने की साजिश हो रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब मोड़ दिया। लाल हवेली पर जलसे से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग होती जा रही है। चोरों और लुटेरों ने मुल्क को लूटा। वफाकी काबीना के 62 वजीर हैं, जिनमें से 17 के पास कोई वजारत ही नहीं है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि बदकिस्मती से कुछ लोगों की अना मुल्क और कौम से भी बड़ी हो चुकी है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से अपने पैगाम में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि यौम आज़ादी पर हर इदारे और तबके को अहद करना होगा कि ज़ाती सियासत पर रियासत को फोकियत दें। मुल्क की सलामती के लिए हमें अफवाज पाकिस्तान के काम में उनका हाथ बटाना होगा। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। वज़ीरे मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि अमरीका को गाली निकालने वाले आज मुआफियाँ क्यों मांग रहे हैं। इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था कि इमरान खान ने अपनी तकरीर में कई मरतबा अमरीका से मुआफ़ी मांगी। इमरान खान ने कहा कि वो अमरीका के साथ हैं, इससे दुश्मनी नहीं चाहते, क्या चाहते हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी अताउल्ला तारक का कहना है कि मुझे अभी तक कोई कानूनी नोटिस मौसूल नहीं हुआ। अता तारक ने कहा कि वज़ीर दाखला पंजाब हाशिम डोगर और उनकी टीम नाअहल है। कल जिस घर में छापा मारा गया वहां मैं अब नहीं रहता। जहां छापा मारा गया 15 साल से उस घर में नहीं गया, वहां जाकर मेरे पड़ोसी को नोटिस दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर में धमाके से पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबाए तालुकाते आमा ISPR के मुताबिक दीर के इलाके बारवाल में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिपाही साजिद अली शहीद और सिपाही अदनान मुमताज शहीद का ताल्लुक आजाद कश्मीर से था। यौम आज़ादी पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान को निशान इम्तियाज से नवाजने का ऐलान किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और 9 दस्तगीर बर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी के लिए नामजद किए गए हैं। मदाहों का इंतजार बिला आखिर खत्म हो गया, क्योंकि एक्शन से भरपूर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया, जिसका लिंक हिदायतकार बिलाल लाशारी ने भी ट्वीट किया है।
हेडलाइंस आपने मुलाइजा की न्यूज स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।